हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी के तन पर। आज है 18 सितंबर 2021, तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 सितंबर को ग्लोबली टू अवेयरनेस फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड उर्ग पीपल टू मेकिंग हेल्थ केयर सेफर। द डे ब्रिंग्स पेशेंट, फैमिलीज, केयर गिवर्स, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर लीडर एंड पॉलिसी मेकर टू शो दियर कमिटमेंट टू पेशेंट सेफ्टी। इस वर्ष का थीम है जी, यानी 2021 का थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। बता दूं मैं आपको कि 72वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि 25 मई 2019 को हुआ था, उसमें इस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को अडॉप्ट किया गया था जी। आपको इतना पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में आप मुझे बताइए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसको कब बनाया गया था। अगला आर्टिकल है नेशनल कैडेट कॉप्स, NCC के नाम से आप इसको जानते हैं तो, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जी फॉर अ कम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ NCC, ठीक है। इसमें फॉर्मर MP रहे हैं, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैजयंत पांडा, उनको चेयरपर्सन इस कमेटी का नियुक्त किया गया है। 15 सदस्यीय ये कमेटी है और इसमें पूर्व क्रिकेटर और कैप्टन रह चुके MS धोनी जी भी हैं और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हैं जी इस कमेटी में, ठीक है। NCC के बारे में बता दूं, नेशनल कैडेट कोर इसका पूरा नाम है और फाउंडेशन हुआ था 16 अप्रैल 1948 को, यानी आज़ादी के बाद बना है जी NCC। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो आपको इतना पता है NCC के बारे में होना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में मैंने कल बताया था, तो आप तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, रिवीजन अच्छा होगा। अगला आर्टिकल यूरो ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है। तो ये एक NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC भी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने एक इशू किया है जी, मतलब पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड इन्होंने इशू किया है। दिस यूरो ग्रीन बॉन्ड इज़ द फर्स्ट एवर यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशूज फ्रॉम इंडिया। इंडिया से होने वाला ये पहला अपने टाइप के बॉन्ड है जी, और ये फर्स्ट एवर यूरो इंश्योरेंस बाय इंडियन NBFC भी पहला है जी। PFC लिमिटेड के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 16 जुलाई 1986 को इसका फाउंडेशन हुआ था। RS ढिल्लन इसके CMD हैं। संसद TV, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है संसद TV। संसद TV लोकसभा TV और राज्यसभा TV जो कि TV पर आते थे, वो दोनों को मर्ज कर करके संसद TV बनाया गया है जी। साथ ही मोदी जी के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी थे यहाँ पर। M. वेंकैया नायडू, चूँकि आपको पता है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। संसद TV के कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में बता दूँ कि ये पार्लियामेंट में जो फंक्शनिंग होंगे वो पता बताएगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड इशूज इंटरेस्टेड टू द कॉमन मैन। इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, वो है चैप्टर इन द कंट्रीज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये संसद TV में ये एक नया फीचर ऐड किया गया है जी। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखें, आपको दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, M. वेंकैया नायडू और ओम बिरला। अगला आर्टिकल है फोर्ड मोटर कंपनी से। तो आप जानते हैं ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है और इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया में वो अपना प्रोडक्शन है जो बंद कर देंगे जी, ठीक है। ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू ग्राफ विथ द शॉर्ट फॉल इन द सेमीकंडक्टर्स और कंपोनेंट्स, ये सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। फोर्ड का जो असेंबली प्लांट गुजरात में है वो भी बंद होगा और साथ ही व्हीकल एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में है वो भी बंद हो जाएगा। मैं बता दूं कि US के कुछ और कंपनी ऑटोमोबाइल के हैं, जैसे जनरल मोटर जानते हैं आप इसके बारे में, GM, और अमेरिकन एक और मोटर कंपनी है हार्ले डेविडसन। तो ये दोनों अपना पहले ही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर चुका है, ठीक है। अब फोर्ड मोटर भी बंद करेगा, तो ये तीनों कंपनी का नाम याद रखेंगे, तीनों US बेस्ड कंपनी है जी। फोर्ड मोटर के बारे में बता दूं कि इसके CEO हैं जिम फर्ले और इसके फाउंडर रहे हैं हेनरी फोर्ड। आपको पता है 16 जून 1903 को, बहुत पुरानी कंपनी है, बना था ये मिशिगन में, इसका हेडक्वार्टर है जी यूनाइटेड स्टेट के मिशिगन में। अगला आर्टिकल है ऑकस। ऑकस
मतलब ए स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, तीन कंट्री मिल करके एक न्यू पार्टनरशिप ऑकस बनाए हैं, अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। मैं बता दूं कि इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से ही क्वाड एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप चल रही है। क्वाड में चार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके मिलकर के एक नया इंडो पैसिफिक में पार्टनर बने हैं जी। इसके लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन, साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साथ में आकर के इसके बारे में घोषणा की है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑकस, जो कि हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनल आर्म्ड सबमरीन फ्लीट दिलाने में। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल टाटा स्टील से संबंधित है, तो मैं बता दूं कि टाटा स्टील्स इंडिया के फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट एक्सटेंड करने वाला कंपनी बन गया है जी, स्टील कंपनी बन गया। ठीक है ना, स्टील प्लांट। ये CO2 डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस से ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा जी, जो कि जमशेदपुर में टाटा स्टील का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ पर यह लगाया गया है। विद दिस अचीवमेंट टाटा स्टील हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टील कंपनी टू अडॉप्ट सच अ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। CCU प्लांट वाज इनॉग्रेटेड बाई TV नरेंद्रन, CEO हैं, MD, CEO और MD हैं टाटा स्टील के, और उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। टाटा स्टील के फाउंडर हैं, 25 फाउंडेशन हुआ था 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में। TV नरेंद्रन इसको CEO और MD हैं, जमशेद जी टाटा इसके फाउंडर रहे हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए, ये इनॉग्रेट करते हुए दिख रहे होंगे। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, इंडिया इज सेट टू बी फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 1920, मतलब 19 और 20 नवंबर को इसी साल नवा नालंदा नवविहार महाविहार कैंपस में होने वाला है जी, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो होगा वो ICCR द्वारा किया जाएगा। ICCR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, चार रीजनल कॉन्फ्रेंस होंगे इंडिया में, तेलंगाना, सारनाथ, गैंगटोक और धर्मशाला, इसके अलावा ना चार होंगे, चार देशों में भी होंगे, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। अगला आर्टिकल DBS बैंक से है जी, आपको पता है सिंगापुर के बैंक है। तो ये बैंक ने लॉन्च किया है रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉसिंग बॉर्डर पेमेंट्स, और इन्होंने इसके लिए फॉर इट्स कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए इन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की घोषणा की है। इन्होंने पार्टनरशिप किया इसके लिए स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ। ठीक है, ये सर्विस अवेल किया गया है DBS आइडियल के द्वारा, इंडो पैसिफिक में ये ऑफर किया गया है जी। MD CEO हैं DBS बैंक के सुरजीत सोम, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में। मैं बता दूँ कि इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इंडिया के जो इंडिया लिमिटेड है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जी। अगला आर्टिकल है एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021। तो इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया है जी, मतलब इंडियन मिलिट्री के 200 पर्सनल गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 में। मैं बता दूं कि ये एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है बिटवीन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट, SCO के बारे में बताऊंगा। तो SCO के मेंबर्स के आर्मीज के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है जी। ये कहाँ पर हो रहा है? रसिया में हो रहा है, रसिया के ओरेंगवर्ग रीजन में हो रहा है। 13 से 25 सितंबर तक ये चलेगा जी। ये बाई एनुअल है, मतलब 2 साल में एक बार होता है, और ये 6th एडिशन है जी। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। अब मैं बताता हूँ SCO के बारे में। सबसे पहले SCO, इसका पहले नाम हुआ करता था शंघाई 5 ग्रुप। फाउंडेशन इसका हुआ था 26 अप्रैल 1996 को, शंघाई 5 को, लेकिन नए रूप में ये आया 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 8 मेंबर कंट्री है, नाम चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके चाइनीज और रसियन है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं व्लादिमीर नोरोव। तो इतना आपको SCO के बारे में पता होना चाहिए। मैं कुछ और बता देता हूँ आपको SCO के बारे में। जैसे SCO में ये 8 मेंबर के साथ 6 डायलॉग्स पार्टनर हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। वहीं 4 एब्जॉर्बर स्टेट्स भी है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।